ओम शांति। हम सभी को बाबा ने अपने महान कार्य की महान जिम्मेदारी दी है। जरूर उसने हमें योग्य समझा होगा और वो महान कार्य करने के लिए उसने हमें शक्तियां भी दी, सर्व खजाने भी दिए, ताकि हम दुखियों के दुख दूर कर सकें, जो अशांत हैं उन्हें शांति दे सकें, उन्हें शांति का मार्ग दिखा सकें, जो परेशान हैं उन्हें श्रेष्ठ ध्यान में स्थित कर सकें। बाबा ने हमें सर्व खजाने प्रदान किए हैं, हम गिरतो हुओ को उठाएं। गिराने वाले तो संसार में अनेक हैं, और जो दूसरों को गिराते हैं वो स्वयं कभी श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। जो दूसरों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, दूसरे आगे बढ़ रहे हों और वो परेशान होते हैं कि हमारा क्या होगा, नाम तो इनका हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएंगे, ऐसी आत्माएं सदा ही पीछे रहेंगी। भले ही उन्हें पद पोजीशन बड़ा मिल जाए, लेकिन संगम युग पर पद पोजीशन नहीं, श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर बैठना एक महान प्राप्ति है। जिसने संगम युग पर अतिंद्रिय सुखों में जीवन जीना सीख लिया, जिसने संगम युग पर बाबा के महान कार्यों को पूर्ण करना सीख लिया, जिसने बाबा की सभी आज्ञाओं को जीवन में धारण कर लिया, जो मैंपन से मुक्त हो गए, वो महान है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। बाबा हमेशा कह रहे हैं, चाहे कोई कैसा भी हो, तुम सभी के लिए शुभ भावना रखो। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही, चाहे रावण से भी हजार गुना बड़ा कोई तुम्हारा दुश्मन हो, तुम उसके लिए भी शुभ भावनाएं रखो। हम सोचने लगते हैं, हम ऐसा क्यों रखें, भला ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन हमें सोचना ये चाहिए कि ये भगवान की आज्ञा है, और उसकी आज्ञाओं का पालन करने में हमें बहुत बल मिलता है, हमारा कल्याण होता है, हमारे द्वारा सेवाएं होती हैं, क्योंकि आने वाले समय में सेवाएं केवल भाषण से नहीं, सेवाएं उनके द्वारा होंगी जिन्होंने स्वयं में सर्व खजाने जमा किए होंगे, जिनका चित्त दूसरों के लिए शुभ भावनाओं से भर गया होगा, जो योग युक्त रहकर इस संसार से उपराम हो गए होंगे, बेहद के वैराग्य में आ गए होंगे। तो हमें आने वाले समय की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए अपने को हर तरफ से समेट कर व्यर्थ से मुक्त रखते हुए अब सर्व खजाने जमा कर देने हैं। मैं कहूंगा, हे बाबा की बुद्धिमान आत्माओं, जिन्हें सद्विवेक प्राप्त हुआ है, वे आत्माएं अब संसार को देने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा समय भी आएगा जब हमें सेकंड में बीज रूप बनना पड़ेगा। इससे हमसे बहुत अधिक शक्तियां चारों ओर वाइब्रेट होंगी, और ये शक्तियां अनेक चीजों को परिवर्तित करेंगी। जैसे शस्त्र से शस्त्र को काटा जा सकता है, जैसे युद्ध में विमान को विमान से गिरा दिया जाता है, वैसे ही हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस लोगों के निगेटिव वाइब्रेशंस को बहुत जल्दी सेकंड्स में समाप्त कर देंगे। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपने श्रेष्ठ संकल्पों में, अपनी शुभ भावनाओं में शक्तियां भरें। योग की शक्ति, प्योरिटी की शक्ति, शुभ भावनाओं की शक्ति, प्रेम की शक्ति। तो आज सारा दिन हम बार बार सेकंड में बीज रूप होने की प्रैक्टिस करेंगे। बीज रूप का अर्थ है निर्संकल्प होकर बाबा के स्वरूप पर स्थिर हो जाना, और ये काम वही कर सकेंगे जो लंबा काल स्वयं को व्यर्थ से मुक्त रखेंगे। जो श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करते हैं, वही सब संकल्पों को सेकंड में समेट कर बीज रूप हो जाते हैं। तो आज बार बार बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करेंगे।
और फील करेंगे बाबा से रंग बिरंगी किरणों की पिचकारी, शक्तियों की पिचकारी मेरे ऊपर पड़ रही है। ओम।